हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस की साइट्स और साथ ही वो कहाँ कट करते हैं ये बताने वाली हूँ। सो जो बैम H1 साइट प्रेजेंट होती है टेट्रासाइक्लिन रीजन पे, सेलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेक्टर्स पे, TI प्लाज्मेट दैट ट्रांसफॉर्म सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड GAA-TTC इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम दैट इज द ECOR1। एंड जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो की जाती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की मदद से। रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के जो मेन यूजेस होते हैं वो DNA को एक पर्टिकुलर साइट पे कट करने के काम आते हैं, साथ ही साथ में ये स्टिकी एंड्स को बनाने के भी काम आते हैं। एंड वैक्टर फॉर TDNA इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एंड फर्स्ट आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस इज HIND-2। थैंक यू सो मच।